कराची की होलसेल मार्केट की बात करते हैं। जोड़िया बाजार में चीनी की कीमत को आग लग गई, इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान आलम। चीनी का क्या भाव है बाबू? भाई साहब है नहीं बाबू, शेर है बात करना भी है नहीं। चीनी क्या रुपए किलो ये पूछो? 94। कराची में चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल, रमजान की आमद के साथ ही फी किलो कीमत में 6 रुपए इजाफा हो गया। जोड़िया बाजार में 100 किलो चीनी की बोरी 600 रुपए महंगी होने से 9,600 रुपए की हो गई। जो दो दिन के अंदर जो चीनी की पोजीशन है वो तकरीबन 92-90 रुपए से लेके और आज तकरीबन 97-98 रुपए की पोजीशन पहुँच गई है। तो ये सिर्फ माल ना आने की वजह है और एक हरासमेंट है लोगों के दरमियान में, तो वो लोग चीनी मंगाने से अवॉइड कर रहे हैं। होलसेलर कहते हैं चीनी की सप्लाई में नुमाया कमी आई है। क्यों शॉर्ट है? माल की अराइवल नहीं है। अभी ये धरना हो गया, उसकी वजह से जो है गाड़ियां सारी नेशनल हाईवे पे खड़ी हैं, इसलिए माल आ नहीं रहा बाजार में। ऐसे लोग जो मर्जी बेचें, 90 रुपये का रेट है वैसे। बोल रहा हूँ सबका अपना अपना रेट है, कोई 96-94 हर भाव से बिक रहा है। दुकानदारों का कहना है कि FIA के खौफ से चीनी के डीलर मार्केट का रुख नहीं कर रहे। जोड़िया बाजार में आम दिनों में 16 ट्रक चीनी के आते थे, जिनकी तादाद कम होकर अब 4 रह गई है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सैयद रिजवान आलम, समा कराची। लोग चीनी के लिए तरस रहे हैं और आपने अपने गोदाम भरे हुए हैं, तो ये मिठास नहीं बल्कि आग है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, नफा कमाने वाले को रिस्क दिया जाता है और जखीरा अंदोजी करने वाले पर लानत होती है।